साथियों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो क्या? वो कल मैंने 200 रियाल के इनाम की बात डाली, कोई आया नहीं है? या डर रहे थे कि 200 रियाल के लिए हम कुत्ता नहीं हो सकते? क्या सोच कर रहे थे? तो इसलिए कहता हूँ कि झूठी खबरें फैलाने से पहले एक दफा ढंग से तहकीक कर लिया करो, कि ये जो चूरन भेजा जाता है ना हमें, इस तरह की बात होती है। तो पता है फायदा आजकल पेज के जो वो हैं एडमिन से, उनको होता है पैसा मिलता है उनको आपके शेयर और लाइक करने से। ये बात आप लोगों को पता भी नहीं होगी, ये शायद पता हो लेकिन समझ नहीं होगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है आपको पता है? फेसबुक और यूट्यूब के जो बानी हैं उनका है, क्योंकि आप ट्रैफिक बनते हो उनकी। कोई भी चूरन बेचते हो, कोई उम्मत है उसको चूरन बेच रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है, और आप वो खरीद रहे होते फजूल में, ला हासिल बहस में, उनको उसी उसके ऊपर पैसे मिलते रहते हैं। देखा, ये तरीका होता है। आप बहस में किसी से जीतते हो और वो पैसों से जीतते हैं, और आज की दुनिया पैसे की है। क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रुपया होता है ना, तभी रियालों में कमाने आते हो ना यहाँ पे। कफील से जलील भी होते हो, कफील बोलता है नहीं जा रहा तू एग्जिट, बैठा रहे इधर, चुपचाप बैठे भी रहते हो, चुंचा नहीं करते, फेसबुक पे आके सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। यही कहता हूँ, ये जिहाद बिल फेसबुक नहीं करो, अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, फेसबुक की तरह चलो, बना लो मुस्लिम बुक, बना लो वहाँ पे ऑडियंस जमा करो। ये उम्मत वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया। ये चूरन अमीर लोग नहीं खरीदेंगे, गरीब लोग खरीद सकते हैं ये चूरन, जाहिल लोग खरीद सकते हैं, जिनको इन चीज़ों की सेंस नहीं है वो खरीद सकते हैं, जिनको ये पता नहीं कि मोनेटाइज होता क्या है, शेयर एंड लाइक के बेनिफिट्स क्या हैं, ये वही लोग खरीदेंगे। सेंसिबल बंदा